और अब खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना वैक्सीन के लिए दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनेगा पहला स्टोरेज। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के अधिकारी के मुताबिक 3 फ्लोर मिलाकर करीब 7000 से 8000 स्क्वायर मीटर का होगा एरिया। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 355 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5475 नए केसेस। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3788। जैसलमेर में कोरोना का कहर जारी। कल 247 लोगों के लिए गए सैंपल। 39 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि। 208 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। समुद्र में गिरा भारतीय नेवी का MiG-29K। नेवी के मुताबिक लड़ाकू विमान के एक पायलट को ढूंढ लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कल जाएंगे पुणे। कोरोना वैक्सीन रिव्यू के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने किया धौलिया गांव का दौरा। ग्रामीणों ने मंत्री का किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। सीएम रावत ने सूबेदार स्वतंत्र सिंह के शहादत पर जताया दुख। कहा दुख की घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी में शहीद हुए थे स्वतंत्र सिंह। डोईवाला दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुगर मिल की पेराई सत्र का किया उद्घाटन। मिल में गन्ना किसान को सीएम ने भेज की संबल। गाजीपुर पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चेतावनी दी। जी किशन रेड्डी का ओबीसी को जवाब। कहा उनके नेता सिकंदराबाद से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं। अगर पाकिस्तानी या रोहिंग्या यहां पर रहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा हावी हुए तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। निशांत हूं इसका मतलब नपुंसक नहीं। परिवार पर हमला करना हमारी संस्कृति नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष को बड़ा झटका। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दिया। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी के 7 जिलों के जिला कोर्ट शनिवार को रखे जाएंगे बंद। यूपी में 4.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। 10,000 आबादी पर 2 जन सेवा केंद्र खोलेगी योगी सरकार। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना से खुलेगी रोजगार की राह। परियोजना के लिए 200 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने जारी किया आदेश। एक्सप्रेस वे के 48 जूनियर इंजीनियर सिविल होंगे तैनात। सीबीआई ने कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ किया केस दर्ज। सीबीआई ने 8 जगहों पर तलाशी अभियान जारी रखा। डिप्टी कमिश्नर पर आरोप। 2016-17 में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर तैनाती के दौरान कस्टम अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध कंसाइनमेंट का कराया था लेन देन। बीजेपी की रैली के बाद टीएमसी का जवाब। मैदान को गाय के गोबर से किया सैनिटाइज। कल वीरभूमि जिले में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप पर किया था हमला, जिसके बाद आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरे मैदान को गोबर से सैनिटाइज किया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब 31 दिसंबर तक चलेंगी ये 13 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के बीच फेस्टिव सीजन में 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए विशेष ट्रेन चलाने का किया फैसला। यूपी मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब। अनुदेशकों का कम मानदेय भुगतान का मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की तैयारी पूरी। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, पहले और दूसरे चरण में रिमोट इलाके में होगा मतदान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर एक बार फिर किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। ममता सरकार को बड़ा झटका। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी ने माना दोषी। एसआईटी ने 25 अप्रैल 2018 को दर्ज किया था मुकदमा। एक्शन में शिवराज सरकार। कैबिनेट की बैठक में बोले शिवराज सिंह, मंत्रियों को अब हर महीने देना होगा रिपोर्ट कार्ड। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप पर तेजी से काम करें। मध्यप्रदेश में उपचुनाव के बाद शिवराज कैबिनेट में 6 मंत्री पद खाली। खाली पद के लिए पुराने दिग्गज और सिंधिया खेमे की कतार। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने मंत्रिमंडल का विस्तार करना बड़ी चुनौती। लालू यादव की बेल पर 11 दिसंबर तक सुनवाई टली। जमानत टलने के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई पर संदेह जताते हुए न्याय प्रणालिका पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बार बार सुनवाई टलने से संदेह होता है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राष्ट्रीय टिकट का बड़ा बयान। कल से यूपी का किसान सड़कों पर उतरेगा। दिल्ली देहरादून हाईवे को पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ करेंगे जाम। कंगना की हाईकोर्ट में बड़ी जीत। बीएमसी को देना होगा दफ्तर तोड़ने का हर जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का किया जाएगा मूल्यांकन। यूपी में सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन जारी। वाराणसी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता किया ढेर। इनामी रोशन ने दीपावली के दिन चौक से एक व्यापारी से मांगी थी रंगदारी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 लाख का इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे ढेर। दलित ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में था आरोपी। इटावा में सरकारी जमीन पर तहसील ने किया अवैध कब्जा। कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा था प्रधान। बर्तना तहसील में 15 सालों से तैनात है दबंग प्रदीप यादव। उन्नाव में पीड़िता ने न्यायालय में दिया 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र। पीड़िता का आरोप, बिना प्रार्थना पत्र कोतवाल ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मेरठ में गैंगरेप पीड़िता की बिगड़ी तबियत। पीड़िता को सीएससी से जिला अस्पताल किया गया रेफर। दबंगों ने दिया था गैंगरेप की वारदात को अंजाम। आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण के मामले में पूछताछ के लिए आरोपी जय को गेस्ट हाउस लेकर पहुंची सीबीआई। हालांकि पॉक्सो एक्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। हरदोई में 17 साल की लड़की के साथ घर में हुआ दुष्कर्म। नाबालिग आरोपी फरार। लड़की की मां घर बाहर गई हुई थी और पिता घर के बाहर सो रहा था। ग्रेटर नोएडा में महिला ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ का विरोध करने पर डॉक्टर ने महिला से की वसूलों की। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में झगड़ा रोकने गए पुलिसकर्मी पर हमला। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 4 राउंड फायरिंग की। एक महिला के पैर में लगी गोली। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जौनपुर में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 12 साल का बच्चा घायल। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में पुलिस पर लगाया माफिया के साथ मिले भरत का आरोप। बुजुर्ग की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। संभल में जिला अस्पताल में मुर्दे भी नहीं है सुरक्षित। स्ट्रेचर पर रखे शव को कुत्तों ने नोच डाला। मामले में सफाई कर्मी और वार्ड बॉय निलंबित। सीएमओ ने 2 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश।
ऋषिकेश में 2 महीने पहले हुए हादसे पर सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों को भेजा 1 लाख का चेक। सड़क किनारे सोए लोगों पर चढ़ा दिया गया था अनैतिक डंपर। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमारी। खामियां मिलने पर दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर बंद कराया। चंदौली में चोरों ने बिल्डर के घर पर धावा बोला। चोरों ने घर से लाखों रुपए की नकदी, गहनों पर किया हाथ साफ। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बरेली में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। रेस्टोरेंट संचालक सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रीन चिल्ला रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। ग्वालियर में चोरों ने दुल्हन के गहनों पर किया हाथ साफ। गहनों से भरा बैग लेकर चोर हुए फरार। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुजरात के राजकोट में कोविड सेंटर अस्पताल में लगी भीषण आग। 5 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीएम विजय रूपाणी ने घटना की जांच के आदेश दिए। अरमंकी में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या। पिता को पेड़ से बांधकर निर्मम मौत के घाट उतारा। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी नहीं माना बेटा। कन्नौज में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक प्राइवेट स्कूल में था शिक्षक। मैनपुरी में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक महिला के ऊपर से पलटा। कंटेनर के नीचे दबकर 2 महिलाओं की मौत, 3 महिलाएं घायल। हमीरपुर में NH-34 पर सड़क हादसा। हादसे में 22 लोग घायल। ट्रक से टकराया नगमार ऑटो। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बागेश्वर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी कार। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। चालक सहित 1 युवक की मौत, 6 घायल। उन्नाव में अनियंत्रित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस मार्ग पर खड़े ट्रक से टकराई। 20 यात्री हुए घायल। घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार। प्रयागराज में मौत का स्टंट। नई यमुना पुल का वीडियो वायरल। 2 युवक करते दिखे स्टंट। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बरेली के जंक्शन रोड पर आरपीएफ जवान के युवक से हाथापाई। हाथापाई में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस, युवक को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आईटीओ में AQI 186 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में फिर बर्फबारी। तापमान में गिरावट होने के साथ शीतलहर के हालात बने। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी की वजह से यातायात को ठप। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में ठंड बढ़ी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार के बाद भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनेगा कम दबाव वाला क्षेत्र। हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक बप्पी लहरी ने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बप्पी लहरी हमेशा से फिल्मों में अपनी एक अलग आवाज और अपने सोने के गहनों के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर आदित्य राय कपूर ने फिल्म सड़क 2 को मिले क्रिटिसिज्म पर किया रिएक्ट। कहा, फिल्म के रिलीज होने के बाद वो सभी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक्टर आमिर खान के भांजे इमरान खान लंबे समय बाद आए नजर। फैंस ने की डिमांड, मिस यू फिल्मों में वापसी करिए।
एक्टर राजकुमार राव पत्र लिखा कि रोमांटिक तस्वीर पर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने किया कमेंट, कहा क्यूटी, फैंस ने की उनकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग की तारीफ। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने संजय दत्त के लिए किया पोस्ट, फैंस कर रहे हैं जमकर ट्रोल, बोले अपने आपने आज सम्मान खो दिया, ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाते उठाते बॉलीवुड के सबसे बड़े ड्रगी के साथ। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार समेत 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं दर्शकों का मनोरंजन, यूएस के बाद भारत होगा दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी मार्केट। एक दिसंबर को मंदिर में श्वेता अग्रवाल से आदित्य नारायण करेंगे शादी, आदित्य बोले 50 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते, टीवी और म्यूजिक वर्ल्ड से क्लोज फ्रेंड्स होंगे शामिल। कॉमेडियन भारती हर्ष के अरेस्ट पर राखी सावंत का बड़ा सवाल, का सिर्फ आर्टिस्ट ही क्यों, मंत्रियों के बेटे क्यों नहीं पकड़े जा रहे। करण जौहर ने टाइटल विवाद में दिल दुखाने के लिए मधुर भंडारकर से माफी मांगी, लेकिन नहीं बदलेंगे टाइटल, मधुर भंडारकर बोले माफी स्वीकार मगर मेरी उम्मीद कुछ और थी। राजमौली के विन चतुर्वेदी के रीमेक से करेंगे सुपरस्टार ब्लैक कमांडो बॉलीवुड में डेब्यू, ब्लैक कमांडो बाहुबली फेम प्रभास के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी समीक्षा को गोद में लिए हुए आई नजर, शिल्पा और समीक्षा दोनों लग रही हैं काफी क्यूट, फैंस ने समीक्षा की क्यूटनेस की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की मौत को हुए 5 महीने, पहली बार उद्धव ठाकरे ने तोड़ी सुशांत के केस पर चुप्पी, कहा दुर्भाग्य एक शख्स की मौत पर इतनी राजनीति। टीवी अभिनेता शाहिद शेख ने कोरोना काल को देखते हुए गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर के साथ की कोर्ट मैरिज, जून 2021 में करेंगे पारंपरिक तरीके से शादी। निर्देशक प्रियदर्शन ने देसी लोकेशन पर बयान देकर हिंदी फिल्म जगत में लोकेशन की राजनीति कर दी तेज, बिना नाम लिए बेल बॉटम की विदेशी शूटिंग पर साधा निशाना।